सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट को हम फैक्टर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है ना, दो चीजों का कंबिनेशन होता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो दो फैक्टर है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, इसके ऊपर जो कंपनी की एबिलिटी है, मतलब कंपनी की जो एक एबिलिटी है या कस्टमर की नज़र में जो एक उसकी इमेज है या कस्टमर के साथ जो रिलेशन बनना है, ये इन दो फैक्टर के ऊपर बेस करते हैं, इसी को हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एग्जांपल बताता हूँ इंटरनल में क्या आते हैं। इंटरनल में जो है ना, कंपनी की टेक्नोलॉजी आ जाती है, कंपनी किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, कंपनी कितनी जल्दी अपडेट कर रही है अपनी प्रोडक्ट को, कंपनी अपनी प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर रही है, कैसे फीडबैक लेके अपनी प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रही है, ये आ जाता है इंटरनल फैक्टर। जिसमें ये भी कह सकते हैं कि इंप्लॉय कितने लॉयल है कंपनी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जगह पर देखा था, एक ब्रांड पे गया पैंट लेने, तो वो पैंट मैंने खरीदनी थी, तो उधर का एक जो सेलमैन था या लड़का जो भी बोल लें आप, तो वो मुझे कहता है ये पैंट नहीं ठीक है, ये पैंट की क्वालिटी नहीं ठीक। तो वो क्या था, एक किस्म का वो अपने ब्रांड का नुकसान कर रहा था, वो कस्टमर को उस ब्रांड की प्रोडक्ट के बारे में गलत मार्केट कर रहा था। तो ये क्या है, मतलब सबसे पहले हमने अपने अंदर वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट करना है, उनको अपनी कंपनी के साथ लॉयल करना है, ये भी एक इंटरनल फैक्टर आ जाता है। एक्सटर्नल में ये सारे नीचे लिखे हुए हैं, डेमोग्राफिक, सोशल एंड कल्चर, नेचुरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये क्या है, सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो वन बाय वन करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो जिस जगह पे हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, जिस जगह पे हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उधर के लोगों की एज क्या है, जो हमारी प्रोडक्ट है वो किन लोगों की एज को टारगेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है जैकेट बनाते हैं आपकी कंपनी, तो जैकेट जो है आपकी किन लोगों के लिए है, यंग लड़कों के लिए है, या आपकी जो जैकेट है वो लड़कियों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, आपने सबसे पहले ये देखना है। डेमोग्राफी में ये आ जाता है, जेंडर देखते हैं कि फीमेल है मेल है, उसके बाद हम देखते हैं कि वो कितनी तादाद में उधर लोग रह रहे हैं, हमने कितनी प्रोडक्ट बनानी है और उनका इनकम लेवल क्या है, वो कितनी मतलब कितनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखें कि वो अफोर्ड कर सकें, वो एजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड है, आप वो मतलब आप गांव में अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या सिटी में। तो ये चीज़ डेमोग्राफिक में आ जाती है, ये फैक्टर डेमोग्राफिक में आ जाता है। आगे आ जाता है सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि आपको पता है हर मजहब जो है, आप एक ही शहर में रह रहे हैं तो आपको, आप किसी टाउन में चले जाएं, उधर का जो सोसाइटी का कल्चर है वो डिफरेंट होगा, उधर की सोसाइटी के लोग डिफरेंट होंगे, इसी तरह उसी शहर में किसी दूसरी जगह पे चले जाएं उधर डिफरेंट होंगे, तो आप किसी स्टेट में चले जाएं मतलब किसी दूसरे शहर में चले जाएं उधर डिफरेंट किस्म के लोग होंगे, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है। तो ये क्या, सोशल एंड कल्चर। अभी लोगों का रिलीजन भी चेंज होता है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो ये क्या है, सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट होता है। कि हमने ये भी देखना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किससे रिलेट कर रही है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो मतलब आप, हमने किन लोगों को टारगेट करना है, किन मजहब की, किन सोसाइटी को हमने टारगेट करना है। जैसे अभी ये आईफोन है तो ये अमीर लोगों को टारगेट करता है ज़्यादा, BMW कार है ये अमीर लोगों को ज़्यादा टारगेट करती है। तो मतलब जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, बड़े बड़े रिच कंट्री हैं और उसमें रिच रिच सिटीज हैं, उधर जाके ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ये सोशल एंड कल्चर में आ जाता है। गांव में जाके अपनी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, गांव में जाके आईफोन या अपनी BMW नहीं बेचेंगे, क्योंकि उधर वो कोई भी नहीं खरीदेगा। थर्ड पे आ जाता है टेक्नोलॉजीज एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजीज एनवायरनमेंट में देखें, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती है, आपको पता है। तो अगर टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे तो जो हमारी कंपनी है वो पीछे रह जाएगी, हमारी जो कंपनी है, हम जो अगर देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों के पास मोबाइल है, तो हम कोई छोटा मोबाइल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें कोई फेसबुक ही नहीं चलती, व्हाट्सएप ही नहीं चलता, तो क्या है, हम फ्लॉप हो जाएंगे। हमने टेक्नोलॉजी को फॉलो करना है। अभी ये देखें लैपटॉप आ गए हैं, तो हम कोई पुराना सा वर्जन PC का इंट्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में बेचने जाएंगे, बिकेगा क्या, कभी भी नहीं बिकेगा। अभी ये देखें कोई अच्छी सी बाइक आ गई है, इंट्रोड्यूस होगी, हम पुराने जमाने की कोई पुराना मॉडल जो है वर्जन, उस तरह की कोई बाइक इंट्रोड्यूस कर देंगे, वो बिकेगी, कभी भी नहीं बिकेगी। हमने टेक्नोलॉजी को फॉलो करना होता है, उस मुल्क की टेक्नोलॉजी को देखना होता है। अभी ये देखें पाकिस्तान इंडिया में ना गाड़ियां चल रही होती हैं छोटी छोटी, तो ये जो गाड़ियां इधर चल रही हैं ना,
मतलब ले लें आप करोला, मेहरान, ये छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, मतलब सस्ती सस्ती लगा लें, मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड इधर ज्यादा हैं, ब्रांड आते हैं बड़े बड़े जो हमारे कैपिटल वगैरह, उधर ये कारें बिकती हैं, पर बहुत थोड़ी सी, बहुत लिमिटेड फॉर्म में बिकती हैं, क्योंकि बहुत हमारा जो मुल्क है एशिया में ज्यादातर गरीब मुल्क समझे जाते हैं, तो इसलिए इधर इनके लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जिनके पास होते हैं वो खरीदते हैं। तो बाहर अगर चले जाएं किसी अमीर मुल्क में, तो उधर इस तरह की जो छोटे छोटी सस्ती है गाड़ियां हैं वो इस तरह की नहीं होती। तो ये गाड़ियां अगर आप उधर जाके इंट्रोड्यूस कर दे, अगर टोयोटा ये वाली जो इधर बेच रहा है गाड़ियां पाकिस्तान इंडिया में, उधर जाके बेचे कभी भी नहीं बिकेगी, क्योंकि उधर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा आगे चली गई हुई है। इसी तरह आगे आ जाता है फोर्थ पे, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये देखें, अभी हमने ना ये जो अभी आप अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो आपने उधर के वेदर को देखना है। अभी कनाडा में जाकर, कनाडा में सर्दी है, तो उधर जाके आप एसी बेचेंगे, उधर एयर कूलर बेचेंगे, किसी ने क्या खरीदना है, उधर पहले ही भाई बड़ी सर्दी है। तो ये चीज भी आपने देखनी होती है। अगर अभी मलेशिया में बारिश होती है, तो इस चीज को भी देखना है कि जो भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, उधर आप वाटर प्रूफ मोबाइल बना दें कि जिसके अंदर मतलब पानी भी, पानी में गिर जाए तो वो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा, तो वो काफी बिकेगा। तो ये चीजें हमने देखनी होती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, कि उधर की मतलब कितना गर्म है, कितनी सर्दी है, माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, ये चीजें देखनी होती हैं, एनवायरनमेंट उधर का कैसा है नेचुरली। फिफ्थ पे आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उधर के लोगों की बाइंग पावर कैसी है, उनके पास कितने पैसे हैं, वो अमीर हैं कि वैसे ही नॉर्मल है, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, वो कितनी मतलब प्राइस में प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उस मुल्क की जिस मुल्क में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी कैसी है, ये चीजें इसमें देखते हैं। सिक्स पे आ जाता है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल में हम देखते हैं कि यार जिस मुल्क में हम अपनी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं उधर के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, उसकी इकॉनमी कैसी है, वो तरक्की याफ्ता है या वैसे ही इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, या गरीब मुल्क है, उधर बिजनेस स्टार्ट कर लें कोई घाटा तो नहीं हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम फ्लॉप में तो नहीं चले जाएंगे, कोई हुकूमत हमारे पे टैक्स तो नहीं ज्यादा लगा देगी, हमारा बिजनेस उधर मतलब इस तरह के जो देखते हैं पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी में, कि उधर के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं, कितना टैक्स लगता है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या कितनी मुल्क की तरक्की है, उधर की सियासी कैसी है, सियासत पार्टी कैसी है, उधर की क्या कहते हैं सियासत कैसी है। आगे सेवन्थ पे आ जाता है कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट, ये भी कह सकते हैं कंपेटिटर इन्वायरमेंट इसको भी कह सकते हैं, कि मतलब जिधर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उधर के मतलब फॉर एग्जांपल आपने बेचनी है गाड़ी, तो आपने मतलब आपका कार का ब्रांड है, तो आपने जिस जगह पे कार बेचनी है आपने देखना है उधर का जो मेरा कंपेटिटर है वो कैसा है, वो कितना तरक्की कर रहा है, मतलब वो किस तरह की कारें बेचता है, तो ये एक इन्वायरमेंट भी होता है देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े बनाते हो, कपड़े का कोई ब्रांड है, तो उधर आपने देखना लोग कैसे हैं और पहले से मार्केट में कौन सा मेरा कंपेटिटर है, वो किस तरह की प्रोडक्ट बेचता है, इसको भी देखना है, ये भी चीज़ बहुत इंपैक्ट करती है। आई होप आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट और इसके जो फैक्टर या टाइप्स बोल सकते हैं उनका कंसेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।